गुड इवनिंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग्स। मैं त्रिभुवन ओस्लो नॉर्वे से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और एक बेहतरीन नए ब्लॉग की आज मैं शुरुआत कर रहा हूं, और वो भी इवनिंग में, संडे की इवनिंग। और ये ब्लॉग हालांकि आपको मिलेगा नेक्स्ट वेडनेसडे को देखने को मिलेगा, और ये जो ब्लॉग है ये स्पेशल ब्लॉग होने वाला है। अब मैं थोड़े से कुछ ऐसे ब्लॉग्स आपके लिए नॉर्वे से लेकर आऊँगा जो होंगी काफ़ी इंफॉर्मेटिव। व्हेन आई एम सेइंग इंफॉर्मेटिव मींस यू विल सी दी ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट प्लेस, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी हिस्ट्री क्या है, वो क्यों फेमस है, उसको कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं, दैट ऑल थिंग्स यू विल एबल टू फाइंड इन दिस डॉक्यूमेंट्री। और आज मैं आया हूँ, अगर आप मेरे पीछे देख रहे हैं तो देखा हुआ सा आपको अगर कुछ लग रहा है, क्योंकि कई बार मैंने ब्लॉग्स में इसको कैप्चर किया है। यह है जी नॉर्वे का ओस्लो का सबसे बड़ा पार्क, और इसको तीन नाम से जाना जाता है। एक है आपका बिजीलैंड पार्क, इसको बोलते हैं, दूसरा फ्रॉगनर पार्क भी इसको बोलते हैं क्योंकि फ्रॉगनर के पास में है, और तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा मैं आपको बोलूँगा या वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर पार्क भी ये है। और यहाँ पर जो स्कल्पचर्स आपको दिखेंगे वो दुनिया के बेहतरीन आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन करके बनाया है। यहाँ पर कई इंग्लिश मूवियाँ शूट हुई हैं, कई हिंदी, मेरे ख्याल से हिंदी भी एक आध मूवियाँ शूट हुई हैं, बट खासकर हॉलीवुड की बहुत सारी मूवियाँ यहाँ पर शुरू हुई हैं। तो इसका ऐतिहासिक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है वो आपको इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगा। और रही बात वेदर की, तो बेहतरीन वेदर यहाँ पे इस वक्त, और ना तो बहुत ज़्यादा ठंड है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ठंड की शुरुआत हो चुकी है ऑलमोस्ट। और आप देख रहे हैं धूप सुबह एकदम बादल से लगे थे, और अब जो है धीरे धीरे थोड़ा सा खुला है, बट धूप इसमें, धूप का समय वैसे भी जा चुका है, लेकिन यह है कि थोड़ा मौसम खुला है। सुबह हल्की हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो रही थी, मगर जो ओस्लो नॉर्वे का जो वेदर है वो बेहतरीन, बहुत ही सुहावना हो गया है। और आप बाहर भी, आपको जाना चाहिए, घूमने भी जाना चाहिए, देखने भी जाना चाहिए। और ये डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से मैं अब आपको वो एरिया और वो जगह दिखाने वाला हूँ जो अगर आप ओस्लो में आते हैं, नॉर्वे आते हैं, तो मस्ट टू डू, मस्ट टू विजिट प्लेसेस में आपका है। यहाँ आपको दुनिया की वो सारी चीज़ें, वो जो सबसे बड़ा स्कल्पचर पार्क जो मैंने आपको बताया वो है दुनिया का, कई मूवियों में यह आ चुका है। चलिए आप इन्जॉय कीजिए इस डॉक्यूमेंट्री का, आपके लिए कुछ चीज़ें शूट करता हूँ, उसके बाद वीडियो एडिट करूँगा, और इट विल कम टू यू एज अ डॉक्यूमेंट्री। नॉर्वे के ओस्लो में स्थित विजिलेंट स्कल्पचर पार्क एक ऐसा स्थान है जहां कला और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। ये पार्क न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि एक महान कलाकार गुस्ताव विगलन के जीवन भर की मेहनत का नतीजा है। यह अद्वितीय पार्क गुस्ताव विगलैंड की जीवन भर की रचनात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने इस पार्क में 200 से अधिक मूर्तियों को ग्रेनाइट, कांस्य और लोहे में उकेरा है। ये मूर्तियां मानव जीवन, रिश्तों और भावनाओं की गहरी समझ को दर्शाती हैं। धागे थे
पार्क के केंद्र में स्थित है विजिलेंट का फाउंटेन, जो इस पार्क का आधार है। इसे पहले नॉर्वे की संसद के सामने ईड्सवॉल्स प्लास पर लगाया जाना था, लेकिन वह योजना पूरी नहीं हो पाई। बाद में इस फाउंटेन को विजिलेंट के बड़े और विस्तृत पार्क के प्लान में शामिल कर लिया गया। फाउंटेन इस पार्क का इतिहास भी उतना ही समृद्ध है जितनी इसकी मूर्तियां। 1924 में जब ओस्लो शहर ने विजिलेंट को एक बड़ा स्टूडियो और घर दिया, तभी इस पार्क की योजना बननी शुरू हुई। अगले 20 सालों में विजिलेंट ने दिन रात मेहनत करके इस विशाल परियोजना को आकार दिया। पार्क की सबसे प्रभावशाली कृति है मोनोलिथ, एक विशालकाय स्तंभ जिसे मानव जीवन के चक्र का प्रतीक माना जाता है। इस मूर्ति में 121 मानवीय आकृतियां आपस में गूंथी हुई हैं, जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को दर्शाती हैं। यह पार्क न केवल एक कला गैलरी है, बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर एक भावनात्मक यात्रा भी है। यहाँ की हर मूर्ति विजिलेंट की अद्वितीय दृष्टि और गहरे अनुभवों को व्यक्त करती है। गुस्ताव विजिलेंट ने इस पार्क को अपने जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना। यह स्थान उनके सभी विचारों और भावनाओं को मूर्त रूप देने का प्रतीक है, जो मानवता की गहराइयों में झांकता है। विजिलेंट स्कल्पचर पार्क केवल मूर्तियों का संग्रह नहीं है, यह जीवन, रिश्तों और भावनाओं की एक ऐसी यात्रा है जो हमें इंसानियत की जड़ों से जोड़ती है। आइए इस पार्क में आकर जीवन की गहराइयों और कला की सुंदरता का अनुभव करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल टीटी व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, ताकि आपको नॉर्वे के इतिहास, संस्कृति और खूबसूरती पर ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस मिलते रहें। तो जी व्यूअर्स, तो इस डॉक्यूमेंट्री मूवी का मैं यहीं पर समापन करता हूं, और
उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह की नॉर्वे की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो पसंद आई होंगी, आ रही होंगी, और कोशिश है कि आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें इसमें लेकर आ रहा हूँ। और आप देखेंगे कि मैंने जो यहाँ की जो सुंदरता है, इस पार्क के जो सराउंडिंग में जो सुंदरता है, जो नेचर है, जिस तरह के ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी लेक है और इसमें बर्ड्स हैं, तो जिस तरह की जो है आपको ये विजिलेंट पार्क और ये जो स्कल्पचर पार्क मैंने आपको दिखाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्कल्पचर पार्क भी है, और इसके चारों तरफ की सुंदरता कितनी खूबसूरत है वो इम्पोर्टेंट है। तो जो ये आपको इस डॉक्यूमेंट्री में देखने को मिलेगी, और साथ में आपको इसकी हिस्ट्री भी मिलेगी कि किसने ये पूरा फॉर्म किया था, कितने एकड़ में ये बनी हुई है। तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगी। चलिए फिर मुलाकात होगी एक और नए डॉक्यूमेंट्री मूवी के अंदर, ब्लॉग के अंदर, और उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन जगह की डॉक्यूमेंट्री बनाकर लाऊंगा। तो आप मेरे इस चैनल पर इसी तरह बने रहें, और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग नए हैं, आप जो हैं मेरे चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो टीटी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, और इस तरह के बेहतरीन ब्लॉग्स को मैं आपके लिए नॉर्वे से, यूरोप से, डिफरेंट जगह से ला करके आपको देते रहूँगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।